Well, hello folks, welcome to another episode of Bollywood This Week of Mamar Ansari, आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म पठान के डे नंबर 40 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? वी आर ऑन द वर्ज ऑफ सेटिंग द हाईएस्ट सिक्स्थ वीक एवर इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा एंड वो रिकॉर्ड जाने वाला है पठान की झोली में। वो बड़ी बड़ी फिल्में जिन्होंने सिक्स्थ वीक के पूरे जो कलेक्शंस किए थे वो शाहरुख खान की पठान जो है सिर्फ और सिर्फ सिक्स्थ वीकेंड में ब्रेक करने वाली है। एंड आज द बॉक्स ऑफिस हैज गॉन कंप्लीटली क्रेजी। फिफ्थ वीक का जो कलेक्शन आया है उससे ज्यादा सिक्स्थ वीक का आने वाला है। एंड यूफोरिया कुछ इस तरह से है कि शोज बढ़ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है एंड जो 1+1 का ऑफर है वो अब कल और परसों। यस फ्रेंड्स, द बिगेस्ट न्यूज इज दैट 1+1 का ऑफर जो है वो कल एंड परसों भी कंटिन्यू हुआ है। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली कल हमने जो एपिसोड है वो कहां पर समाप्त किया था। कल शाम को बाहुबली के जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने यहां पर यशराज एंड पठान की पूरी टीम को यू नो कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि पठान ने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद YRF ने भी यहां पर उनको रिप्लाई देते हुए कहा है, नथिंग मोर थ्रिलिंग देन सीइंग हाउ इंडियन सिनेमा इज थ्राइविंग। यानी कि इंडियन सिनेमा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उससे थ्रिलिंग कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू शोबू, यानी कि बाहुबली के प्रोड्यूसर को उन्होंने थैंक किया। उन्होंने कहा, थैंक यू फॉर गिविंग अस अ लैंडमार्क फिल्म लाइक बाहुबली डायरेक्टेड बाय द विजनरी राजमौली, इट हैज इंस्पायर्ड अस टू वर्क हार्डर। एंड उन्होंने जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर टैग किया। उसके बाद गाइज यहाँ पर YRF जो ऑब्वियसली तू झूठी में मक्कार के डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी है, लेकिन डिस्पाइट दैट उन्होंने वापस से पठान का जो ऑफर है बाय वन टिकट गेट वन टिकट मंडे एंड ट्यूजडे को भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। तो एक्सपेक्ट द बॉक्स ऑफिस टू गो फॉर अ टॉस इवन ऑन मंडे एंड ट्यूजडे। एंड भैया ट्यूजडे तो होली है महाराष्ट्र में, तो गाइज डेफिनेटली उस दिन बॉक्स ऑफिस फटेगा। तो गाइज ये हफ्ता जो है जब तक झूठी में मक्कार नहीं आती द पठान पार्टी विल कंटिन्यू। एंड झूठी में मक्कार आने के बावजूद भी पठान बॉक्स ऑफिस पे चलती रहेगी, सारी सारी चीज है आज के एपिसोड में। चलिए भैया शुरू करते हैं। सो गाइज शुरुआत करेंगे डे नंबर 39 को क्या हुआ। हमारा प्रेडिक्शन था कि डे नंबर 39 फिल्म कहीं ना कहीं 1.95 से 2 करोड़ के बीच में कमाई करेगी। द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर पठान ऑन इट्स डे नंबर 39 इज 2.10 करोड़। यस फ्रेंड्स, इस फिल्म ने ऑल लैंग्वेजेस में 2.10 करोड़ की कमाई की है। हिंदी वर्जन 2.05 करोड़ कमाकर ब्रेस योरसेल्फ्स, द हिंदी वर्जन रिकॉर्ड इज गोइंग हायर हायर एंड हायर। 513.75 करोड़, 513.75 करोड़ इस फिल्म ने मात्र हिंदी भाषा में यहाँ पर कमाया है। एंड गाइस अब बात करते हैं ऑल लैंग्वेजेस की, तो ऑल लैंग्वेजेस में ध्यान से सुनिए गाइस, यहाँ पर ऑल लैंग्वेजेस में 2.10 करोड़ कमाते हुए ऑल लैंग्वेज का टोटल जो है 532.08। तो पठान हैज एंटर्ड द 530s, द 540s, क्या लगता है 550s होगा क्या, लाइफ टाइम 550 करोड़ में समाप्त होगा? वेल नेवर से नेवर, अब यहाँ से कुछ भी हो रहा है जिस स्पीड से जा रही है। एंड गाइज इसी के साथ इसका जो इंडिया का टोटल होता है ग्रॉस वो 2.60 करोड़। ओवरसीज इसने कमाया 70 लाख, यानी कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने अपने 39 डे पर 3.30 करोड़ कमाते हुए अपना वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 1031.30 करोड़ के पास पहुंचा दिया है। यानी कि सेफ रहेगा कहने के लिए कि 1031 करोड़ इस फिल्म ने जो है यहाँ पर कमा लिया है। अब गाइस सिक्स वीक का जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के पास है 11.60 करोड़ का। उसके बाद है गदर एक प्रेम कथा 6.09 करोड़। उसके बाद है पुष्पा पार्ट वन 6.24 करोड़। दृश्यम द्वितीय 6.16, बधाई हो 5.72 एंड बाहुबली 2 5.38। अगर मैं आपसे कहूं कि गदर, पुष्पा, दृश्यम 2, बधाई हो, बाहुबली 2 का पूरे वीक का कलेक्शन पठान इस सिक्स्थ वीकेंड में 3 दिनों में तोड़ेगी, तो गाइस इसमें कोई दो राय नहीं होगी, इस फिल्म इज स्मैशिंग एवरीथिंग लेफ्ट राइट मिडिल सेंटर एंड फॉरवर्ड। बात करूं डे नंबर 40 यानी कि आज है संडे की, तो गाइज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 16%, आफ्टरनून 24 एंड इवनिंग 31। इट्स जस्ट पठान मेनिया एवरीवेयर, लुक एट दिस गाइज। संडे को पठान के पास मुंबई में 240 शोज है। नाउ कैन यू बिलीव इट गाइज,
कल इसके पास 217 शोज थे, आज इसके पास 240 शोज हो चुके हैं, 34% ऑक्यूपेंसी। लुक एट दिल्ली एनसीआर, 337 से 342 शोज हो गए हैं, 22% ऑक्यूपेंसी। लुक एट पुणे, 101 शोज से 110 शोज, 79% ऑक्यूपेंसी। बट लुक एट नंबर बेंगलुरु, कल 69, आज 91 शोज हो गए, 33% ऑक्यूपेंसी। लुक एट हैदराबाद, 80 शोज से 84 हुए, 52% ऑक्यूपेंसी, यानी कि फ्राइडे में शो रिड्यूस किए थे वापस से ऐड कर दिए गए हैं। लुक एट कोलकाता, 130 से सीधा 153 शोज हो चुके हैं, 34% ऑक्यूपेंसी। लुक एट अहमदाबाद, 152 से 158 शोज हो चुके हैं, 15%। कितने लोग गवाह हो, पिछले 40 दिन से 15% की ऑक्यूपेंसी लाना कितनी बड़ी बात है। अहमदाबाद में सभी लोगों को पता है, चेन्नई 6 शोज है 88%, यानी कि ऑलमोस्ट शोज आर हाउसफुल ओवर देयर। सूरत 59 से 60 शोज हुए, बट ऑक्यूपेंसी इज 29%, मैसिव। अहमदाबाद एंड सूरत डूइंग रियली वेल टुडे। बात करो लखनऊ की, 99 शोज थे, 107 शोज है, 15% ऑक्यूपेंसी। लुक एट भोपाल, 39 से 41 शोज हो गए, 40%। इसलिए गाइज माय प्रेडिक्शन फॉर शाहरुख खान पठान, 40वां दिन, कैन यू बिलीव इट, हम लोग आज बैठ के 40th डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो वो डिस्कस कर रहे हैं, 2.80 से लेकर 2.90 करोड़। अगर कल मंडे नहीं होता देन डेफिनेटली ये फिल्म 3 करोड़ कमाती। सभी लोगों को पता है संडे के नाइट के जो शोज रहते हैं एकदम अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। अगर ये फिल्म, चलो हिंदी में 2.83 करोड़ कमाया, देन हिंदी वर्जन कलेक्शन विल बी 516.58 करोड़, यानी कि 516.58 करोड़, एंड ऑल लैंग्वेजेस 2.90 करोड़ कमाया। ब्रेस योरसेल्फ, 535, टू बी वेरी प्रिसाइज 534.98 करोड़ चले जाएगा, इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो बच्चों फ्राइडे कितना हुआ, 1.07, सैटरडे 2.10 एंड संडे 2.90। वी हैव पठान इन द सिक्स वीकेंड 6.07 करोड़ रुपीज। पेड़ा खाइए भाई, खाइए पेड़ा खाइए। हाँ, बाहुबली 2 का सिक्स वीक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बधाई हो क्या, सिक्स वीक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोग बोल रहे हैं कि अरे सिक्स फिफ्थ वीक में तो फिल्म चली नहीं रही है। तो भैया ये क्या है भाई, इनको पत्थर दीजिए भाई, पेड़ा हम खाएंगे। तो गाइस ये तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगा गाइस, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, इसके पास उरी का थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यू नो 7, 8, 9, 10, नेवर से नेवर, शायद नहीं होगा, लेकिन गदर, पुष्पा, दृश्यम 2, बधाई और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ के पठान विल बी द सेकेंड हाईएस्ट सिक्स वीक इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा, टेक दैट मेरा भाई। तो गाइस इंडिया में ऑल लैंग्वेजेस विल बी 2.90 करोड़, इसका ग्रॉस होगा 3.5 करोड़, ओवरसीज 1 है। अब कल लॉटरी जो है, जैकपॉट जो है, वायर अप पोस्टर रिलीज करके हमको पता चलेगा एग्जैक्टली ऑन व्हाट ग्राउंड्स वी आर स्टैंडिंग। 1 करोड़ पकड़ के चलिए, यानी कि 40वें दिन पर पठान यहां पर 4.5 करोड़ रुपया कमाने वाली है, जो अपने आप में उपलब्धि है। एंड कल का जो पोस्टर है वो 1035 से लेकर 1036, यानी कि 1035 से लेकर 1036 करोड़ आ सकता है। तो कल का दिन बहुत ही क्रूशियल होगा, मंडे है, नया शो काउंट आएगा एंड वायरएफ जो है इसका वर्ल्ड वाइड पोस्टर रिलीज करेगा। तो बने रहिए चैनल पर भैया, मंडे ट्यूजडे वापस 1/1 फ्री है। मंडे कलेक्शन जो है देखो, फ्राइडे 1.07 था, तो मंडे शायद 90 लाख गिरे। ट्यूजडे होली है, तो किसको पता होली में वापस से 2 करोड़ के ऊपर कलेक्शन आया। यू नेवर से नेवर, पठान इज नॉट स्टॉपिंग। अब देखने लायक ये रहेगा कि तू झूठी में मक्का गया, पठान की ट्रैजेक्टरी है जो है वो किस तरह से जाती है। सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, भैया मिशन अकम्प्लिश्ड है भाई, बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिए और क्या चाहिए। साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।